माहौल कैसा है डिटेल्स के लिए? यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतर है और हम लोग पूरी तरीके से जीत के करीब इंशाल्लाह ताला और दो तीन दिन और बाकी हैं इस रिजल्ट को जीत में बदलने के लिए। पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर जनता दल को जी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर जीतने का? श्रीमान देवेगौड़ा जी और श्रीमान कुमार सिंह जी ने जो यहाँ सर्विसेस किए हैं जी, जो कारनामे किए हैं, उनकी जो सेवा है इस सारे जिले के लिए, वो सारे कारनामे आगे लेके चले और उसके ऊपर से जो किसानों को जो मदद की गई यहाँ के हर तरीके की जो काम हुए उसके ऊपर से भरोसा है कि हमारी पार्टी के लोग यहाँ के जितवाएंगे। समझदार लोग हैं और इस जिले के लोग जानते हैं कि देवेगौड़ा जी के ऐसा हम कैसे चुकाना चाहिए, लोग चुकाएंगे। उसी भरोसे के ऊपर हमने एक उम्मीदवार एक और भरोसा है कि लोग जितवा कर देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर सिंधी? सिंधी के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब तरीके की कहानियाँ, झूठे इल्जाम, एक दूसरे की हिबत, नम्मा खरामी की बातें, बहुत सारी चर्चे तो हो रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब या कुछ असर होने वाला नहीं है। इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, वे लोग समझदार लोग हैं, वो लोग अपना भला और बुरा दोनों जानते हैं। अब इन्होंने कई मर्दों को वोट दे के देख लिए तो इस बार कोशिश यही है कि एक बार औरत को भी भरोसा करना चाहिए, जो अब यहाँ की आवाम करने जा रही है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी औरत जात कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देती। तो वो लोग इस बार इस कैंडिडेट को जरूर जिताएंगे, ये हमारा भरोसा। जमीर अहमद खान का कहना है सर, जिस तरह से बसों कल्याण में मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया था बीजेपी को जिताने के लिए, यहाँ पे भी वही किया जा रहा है। देखिए साहब, मैं उनके बारे में बिल्कुल कॉमेंट ही नहीं करना चाहता, जिनका कोई बात का कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ समझना ही नहीं चाहते, उनको खुद को पता नहीं है कि वो कह क्या रहे, तो मैं उनको बात कर नहीं चाहता। हाँ तो बात कर करके थक गए, समझाने की कोशिश कर करके थक गए। अब मुझे पता है कि बोले इनके बारे में बात करना अपना वक्त की वक्त ज़ाया करने के लिए।